सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये कोटेशन आपने देख लिया होगा, मतलब पेपर का कटिंग, और ये जेन्युइन कटिंग है, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है। अब मेन बात ये है कि एग्जैक्टली ये वैकेंसी कब आएगी। सो लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट गोइंग टू बी लेस देन ए वार, ठीक है। ये आपके एक वार से कम नहीं होगा, ये जब भी एग्जाम हो। और अगर पेपर में निकल के इस तरीके से आ रहा है तो नैन डेफिनेटली है कि आपका जो भी पोस्ट है वो आपको आगे दिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही निकल के नहीं आ रहा है। बट अगर आप ये कमेंट करोगे या किसी से आप ये जानना चाहोगे कि सर कब आएगा कब आएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। तो प्लीज अपना टाइम उसमें वेस्ट ना करें। तो अब अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दरोगा बनना है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स गोइंग टू बी लाइक ए ब्लंडर मिस्टेक, लेट मी टेल यू गाइस। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लें। अब हम आपको बात करते हैं कि आपको एज ए बोलते हैं ना, एज ए डेडिकेटेड कैंडिडेट, आप अगर आप दरोगा का एग्जाम निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और आपको व्हाट्सएप का लिंक नीचे हो जाएगा, एकदम जुड़ जाइएगा, ठीक है। कहीं भी आप पढ़े हो, एक बार ड्रीम डोज के साथ जुड़ के देखिए, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दरोगा का। अगर आप प्री को अभी टारगेट कर रहे हो तो ये मत सोचिएगा कि प्री मुझे निकालना, आप सिंपली मेरिट को टारगेट करोगे। अभी तीन चीज जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहला आपको याद रखिएगा साइंस। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका डिमांड एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। अगर आप पेपर एनालिसिस करते हो तो ये चीज अभी तक तो आप समझ गए होंगे। साइंस का रोज एक घंटे का हम अपना पूरा का पूरा दम लगाए हुए हैं, आप नीचे में लिंक दे दूंगा, हम पूरा का पूरा स्पीडी एनालिसिस कर रहे हैं, आप देख लेना, बेस्ट कंटेंट है। अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो साइंस का आपका मैंने आपने स्पीडी स्टार्ट करके एक घंटा का एक क्लास, 1 आवर का मैं कंटिन्यूसली लेता हूं, वो आप देख लेना। उसके बाद हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा, बट अभी जो आपको करंट अफेयर्स कोई मैगजीन अगर आपको पढ़ना है, जो हमने पढ़ा था, चाहे आपका दरोगा का हो चाहे ईएसआई का हो, वो है आपका स्पीडी। हो सकता है इसमें आपको कंटेंट ज्यादा लगे क्योंकि काफी कम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया, बट इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको स्पीडी से दिखेंगे। और उसके बाद है आपका हिस्ट्री, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट को अभी आप मास्टर कीजिए, स्पेशली आप साइंस और करंट अफेयर्स को। और एक चीज, बहुत लोग बोलेंगे कि वैकेंसी जब निकल आएगा तब आपको करना, नहीं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा आपका। अगर आप जो ईएसआई का पेपर उठा के देखोगे, एक साल पहले का उन्होंने करंट अफेयर्स डाल दिया था, तो आपको वर्स्ट केस के लिए तैयार होना है। अगर किसी का एक बार में सिलेक्शन हो गया, वो उतना ही बताएगा जितना उसको पता है, आपको पूरा पेपर एनालिसिस करना है, क्योंकि ये आपका लाइफ है और आप खुद डिसीजन लो, ठीक है। आपको किसी के कहने पे नहीं, आप पूरा चीजों को एनालाइज कीजिए और उस हिसाब से आप स्टडी कीजिए, ठीक है। अभी आपको साइंस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पे फोकस करना है। स्पेशली साइंस एंड करंट अफेयर्स आप एकदम अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये कम समय में आपका पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना। क्योंकि देखिए, साइंस ऐसा पोर्शन आप कंप्लीट कर भी लोगे, बट यहाँ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। मान लो अभी हमने 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइटिंग हुआ है, मतलब थंडरिंग हुआ है तो कौन सा गैस निकलता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप तब कवर कर पाओगे जब मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक में नीचे पूरा का पूरा डाल दूंगा साइंस वाला, आप एक बार खुद देख लेना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो तीन बातें मैंने बताई हैं आपको, साइंस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, इसको स्ट्रॉन्ग करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद।